हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिखा भी हूँ, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अब देखिए बीच में क्या लिखे हैं, पीपो लिखे हैं। पीपो का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखिए जो पी है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पैरेलल के लिए। आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड फॉर पैरेलल एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। ठीक, तो देखिए ये जो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट लिखा गया है इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपो लिखते हैं। ठीक, तो आप इस पीपो को यहां भी लिख सकते हैं या यहां से हटा के आप इस शिफ्ट रजिस्टर के बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इससे पहले हम लोग तीन तरीके के शिफ्ट रजिस्टर को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग सीसो के बारे में पढ़े थे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सीपो पढ़े थे, आपको याद होगा। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, पीसो पढ़े थे, और आज क्या पढ़ेंगे, पीपो के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जितने भी लेक्चर हैं शिफ्ट रजिस्टर के सबको आज सीरीज वाइज देखिए, जब सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, अगर पीछे कभी तीन लेक्चर नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, तब आज का लेक्चर देखिए, तब आपको समझने में आसानी होगी। साथ साथ पता भी चलेगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करके नए नए तरीके के शिफ्ट रजिस्टर को बनाया गया। ठीक, तो ये चीज़ आप जरूर करिए, जो भी लेक्चर है उसको सीरीज वाइज देखते हुए चलिए। ठीक, अगर सीरीज वाइज लेक्चर देखेंगे तो आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लेक्चर में ही कवर कर दिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट वाला है। इसका ना हम लोग को क्या करना है, जो इनपुट होंगे शिफ्ट रजिस्टर में उनको हम क्या करेंगे, पैरेलल ही देंगे, और आउटपुट भी पैरेलल हम लोग वहाँ से लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, चार बिट का पीपो यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक, ये चार बिट का क्या है पीपो, कैसे पता चार बिट का पीपो है, क्योंकि ये क्या है, चार फ्लिप फ्लॉप को कंटेन किया हुआ है। ठीक, तो जितने बिट का बनाना रहता है उतने फ्लिप फ्लॉप को हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल क्या है, चार फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, साफ साफ हम लोग को यहाँ से पता चल जा रहा है कि चार बिट का हम लोग का क्या है, पीपो है। ठीक, अब देखिए क्या है, जो भी फ्लिप फ्लॉप है इसमें जो इनपुट है उसको देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी इनपुट हैं इनको हम लोग क्या देंगे, पैरेलल फॉर्म में देंगे। ठीक, क्लियर। पीछे हम लोग इनपुट को क्या करते थे, जब सीसो या सीपो पढ़े थे इसमें इनपुट को क्या करते थे, सीरियल फॉर्म में देते थे, मतलब एक एक इनपुट को बारी बारी से हम लोग क्या करते थे, भेजते थे। ठीक, लेकिन आज जो हम लोग का पैरेलल इनपुट है इसमें क्या करेंगे, जितने भी इनपुट हैं सबको एक साथ हम क्या करेंगे, लगा देंगे। जितने इनपुट डाटा हैं सबको एक साथ हम क्या करेंगे, इस पर रजिस्टर पर क्या करेंगे, भेज देंगे। जैसे कल जब हम लोग पीसो पढ़े थे तो पीसो में क्या किए थे, पैरेलल इनपुट इसमें लगाए थे, जितने भी डेटा थे सबको एक साथ हम लोग क्या कर रहे थे, जो फ्लिप फ्लॉप था उसके इनपुट पर भेज रहे थे। ओके, ये चीज़ क्लियर। तो देखिए ये चार फ्लिप फ्लॉप हैं, चारों के इनपुट को देखिए बाहर यहाँ निकाले हैं। ठीक, चारों पे क्या करेंगे, एक साथ इनपुट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए जो फ्लिप फ्लॉप है इनके आउटपुट को देखिए बाहर निकाला गया। ठीक, यहाँ आप देखिए क्या Q3 इसका आउटपुट है, इसको क्या किए बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ देखिए Q2 इसका आउटपुट है, इसको क्या किया बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पे Q1 इसका आउटपुट है, Q1 को क्या किया बाहर निकाल लिए हैं, और Q0 जो आउटपुट है उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। ठीक, साथ ही साथ एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर किसी एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, कोई उनमें कनेक्शन नहीं है, किसी एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे से क्या है, कनेक्टेड नहीं। सब देखिए क्या है, अलग अलग हैं, सबके सब क्या है, अलग अलग हैं। ओके, तो क्या क्या अंतर है, हम लोग क्या देंगे, जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे हर एक फ्लिप फ्लॉप को एक साथ प्रोवाइड करेंगे, और सबके आउटपुट को क्या करेंगे, एक साथ हम लोग देखेंगे, और साथ साथ किसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को किसी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे तो ये क्या होगा, हम लोग का शिफ्ट रजिस्टर होगा। और ये कौन सा शिफ्ट रजिस्टर होगा, पैरेलल इनपुट जा रहा है तो पैरेलल इनपुट, और कहाँ आउटपुट मिल रहा है, पैरेलल फॉर्म में मिल रहा है, तो पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर हो जाएगा। ठीक, जब हर एक इनपुट पैरेलल है और आउटपुट पैरेलल फॉर्म में हम लोग रिट्राइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये जो हम लोग का रजिस्टर तैयार हुआ ये पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर तैयार हो गया। क्लियर, अब क्या करना है, हम लोग को डेटा भेजना है, डेटा को स्टोर कराना है, और फिर उसको रिट्राइव करना है, मतलब उसको अपने यूज में लाने के लिए उसमें से क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कोई डेटा, जैसे मैं 1010 चल रहा हूं, उस पर क्या करने, लोड करने। ठीक, ये कोई डेटा है 1010, इसको मैं यहां पे लोड करने चल रहा हूं। ठीक, ये देखिए क्या होगा, हम लोग का LSB होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज
MSB, क्लियर। ये क्या होगा हम लोग का MSB होगा, ठीक। ये कोई भी डेटा आप ले सकते, जरूरी नहीं 1010 ऐसे ले रहे हैं, चलिए 110 ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे LSB वाला, यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1 लगा देंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है 1 है, इसको लगा देंगे, और यहाँ क्या है हम लोग का ये जो 1 है इसको लगा देंगे, ठीक। इसके पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए थ्रू टेबल बनाए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए जो टेबल बनाए हुए हैं इसमें क्या है, ये हम लोग का क्लॉक पल्स है, ठीक। इसको क्या किया, इनिशियली अभी 0 रखे हुए, ठीक। ये चीज़ देखिएगा, यहाँ जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं सबको क्या किए हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से क्या किए कनेक्ट कर दिए, ठीक। जितने फ्लिप फ्लॉप हैं सबके सब क्लॉक से कनेक्टेड हैं, और क्या है पॉजिटिव एज, ये जो साइन होता है किसका साइन होता है, एज का होता है, चाहे आप यहाँ बनाए चाहे बनाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर इसी में क्या करें, ऐसे एक बबल लगा देते हैं तो इसको निगेटिव एज ट्रिगरिंग कहते हैं, ठीक। तो ये देखिए एज का साइन है, बबल लगा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे। अगर आपको मन करे तो आप इसको बबल लगा कर निगेटिव एज ट्रिगरिंग कर सकते हैं, ठीक। इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या किए हैं, इनिशियली क्लॉक को क्या रखें, 0 पर रखें, उस दरमियान मान ले रहे हैं कि किसी भी तरीके का इनपुट हम लोग नहीं दिए हैं, तो जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, 0 0 0 होगा, ठीक, क्लियर। अब हम लोग चल रहे हैं इसको लोड करने, इसको चल रहे हैं इसमें लोड करने, मतलब स्टोर करवाने चल रहे हैं, तो इसमें ये इनपुट अप्लाई कर दिए। अब आउटपुट हम लोग को कम मिलेगा, जो हम लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है वो देंगे तो हम लोग को आउटपुट मिलेगा। भाई फ्लिप फ्लॉप में इनपुट दे दिए हैं, अब जब क्लॉक को अप्लाई करेंगे, क्लॉक को लगाएंगे उसमें, क्लॉक पल्स देंगे तभी ना आउटपुट देगा। तो अब चल रहे हैं पहला क्लॉक पल्स देने, पहले यहाँ पे इनपुट जो है उसको लिख ले रहे हैं, D3 कितना है 1 है, ये D2 कितना है 1 है, D1 कितना है 1 है, ये क्या है 0 है। अब इसको हम दे के अब क्लॉक पल्स पहला लगा दिए, ठीक। इसको दे के अब फर्स्ट क्लॉक पल्स क्या किए हैं, अप्लाई कर दिए। अब जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो जो भी हम लोग इनपुट दिए थे वो क्या हो जाएगा हम लोग को आउटपुट में यहाँ मिल जाएगा। तो जो भी इनपुट दिए थे आउटपुट मिल जाएगा, मतलब 0 यहाँ पे मिल जाएगा, 1 यहाँ पे मिल जाएगा। भाई डी फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी यही है ना कि जो भी इनपुट दीजिए आउटपुट मिल जाता है। देखिए आउटपुट में क्या हो गया हम लोग को, मिल गया, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही क्लॉक साइकिल में, या ऐसे कर सकते हैं एक ही क्लॉक पल्स में क्या हो गया, ये जो हम लोग का इनपुट था वो आउटपुट मिल गया। और किसी भी तरीके के इनपुट, अभी देखिए किसी तरीके का आउटपुट जो है अभी बीच में कहीं फंसा नहीं है, सबके सब आउटपुट जो है, सबके सब जो डेटा है वो बाहर हम लोग के निकल गए। बात समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, एक ही क्लॉक पल्स में जो भी इनपुट था इनको क्या किया गया, बाहर निकाल लिया गया और उसी में स्टोर भी कर दिया गया, ठीक। ये स्टोर भी हो गया इसमें, इसमें 0 स्टोर हो गया, इसमें 1 स्टोर हो गया, इसमें 1 स्टोर हो गया, इसमें 1 स्टोर हो गया, साथ साथ ये जो 1 है ये बाहर भी निकले हैं। ये जो 1 है यहाँ पे देखिए 1 बाहर निकला है, यहाँ पे 1 बाहर निकला है, 1 बाहर निकला है, यहाँ पे 0 स्टोर हुआ था वो भी आउटपुट हम लोग यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक। तो इसकी खासियत देखिए इस रजिस्टर की क्या है, कि एक ही क्लॉक पल्स में डेटा को स्टोर भी करते रहा है और जितने डेटा हैं सबके साथ हम लोग को बाहर आउटपुट में मिल गए। इसका मतलब एक ही क्लॉक पल्स में हम लोग इसको रिट्राइव भी कर लेना है। इसका मतलब क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर है, इसमें बस एक क्लॉक पल्स लगेगा डेटा को स्टोर करने में, और रीड करने के लिए किसी भी तरीके की क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। एक ही क्लॉक पल्स में ये डेटा स्टोर हुआ और उसी दरमियान आउटपुट में हम लोग को मिल जाएगा, क्लियर। अभी इसकी बात फिर से करेंगे, पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए Q3 क्या हो गया, 1 हो गया, Q2 1, Q1 1, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक, क्लियर है चीज। हम देखिए उसको पूरा कर लिया, अब इसका बात कर लेते हैं, ठीक। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कितने क्लॉक पल्स लगे हैं, किसमें, लोडिंग करने में और रीडिंग करने में, तो आप क्या यहाँ से लिखेंगे, लोडिंग करने में एक क्लॉक पल्स लगे और उसी दरमियान हम लोग का जो ये वैल्यू था वो बाहर आ गया। इसका मतलब रीडिंग करने में हम लोग को किसी तरीके की क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब टोटल हम लोग को 1 क्लॉक पल्स इसमें लगेंगे, किसमें, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में। ये 4 बिट का है तो क्या हुए, इसमें 1 क्लॉक पल्स लगे। तो आप कहेंगे 5 करेगा तब 5 में 1 लगेंगे, क्योंकि पैरेलल इनपुट दे रहे हैं पैरेलल आउटपुट दे रहे हैं। 10 करेगा तब भी 1 लगेंगे। n मतलब n बिट का अगर हम लोग का क्या है रजिस्टर है, टोटल कितने लगेंगे, 1 ही क्लॉक पल्स लगेगा। क्या करने में, इसको प्रोसेसिंग कराने में। प्रोसेसिंग कराने मतलब क्या, लोड करने में और रीड करने में, ठीक। तो यहां पे देखिए जो कुछ भी हम लोग का क्लॉक पल्स लग रहा है, बस एक क्लॉक पल्स लग रहा है, उसी में डेटा लोड हो गया और डेटा सब बाहर निकल गया। इसका मतलब रीडिंग करने में हम लोग को किसी तरीके की क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब टोटल जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, बस एक क्लॉक पल्स यहां पर लगेगा, ठीक। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टोर करने में, स्टोर करने में और क्या करने में, यूज करने में कितने क्लॉक पल्स की जरूरत है। तो स्टोर करने मतलब क्या, लोड करना, ठीक। तो एक क्लॉक पल्स में स्टोर हो गया। अब देखिए जो यूजफुल डेटा हम लोग का, जो डेटा रिट्राइव किया था बाहर निकाला था, वो डेटा देखिए उसी एक क्लॉक पल्स में बाहर निकल गया। अब इसको निकालने के लिए किसी एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसको यूज करने के लिए किसी भी क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब टोटल 1 क्लॉक पल्स ही इसमें क्या होता है, लगता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ओके।
चलिए अब इसके टाइमिंग डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग का क्लॉक पल्स है। ठीक, ये क्या है Q3 है, ये क्या है Q2 है, ये Q1 है, ये क्या है Q0 है। ओके, अब देखिए इनिशियली जब हम लोग का क्लॉक क्या था, जीरो पे था, तो जो भी आउटपुट है सबके सब क्या थे, जीरो पे थे। इसका मतलब ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था। अब जैसे ही हम लोग क्या किए, ये इनपुट लगाए और क्लॉक पल्स को क्या किए, अप्लाई किए, पहला क्लॉक पल्स, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स जो अप्लाई किए, तुरंत क्या हो गया हम लोग को ये आउटपुट मिलने लगा। मतलब जो हम लोग का Q3 था वो जीरो से वन हो गया, जीरो से वन हो गया, जो Q2 था वो भी जीरो से वन हो गया, तो Q2 भी देखिए जीरो से वन हो गया। अब जो ये Q1 है ये भी क्या हो गया, जीरो से वन हो गया, तो Q1 को भी हम लोग क्या किए, जीरो से वन कर लिए। और जो आपका Q0 है ये जीरो से जीरो पर ही है, मतलब उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। ओके, तो ये सब के सब देखिए वन हो गया, क्लियर। अब देखिए कल तक हम लोग क्या देखे थे कि जैसे ही हम लोग दूसरा क्लॉक पल्स देते हैं तो क्या होगा, जो इनपुट रहता है वही फिर आउटपुट में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या है, कल तक हम लोग क्या कर रहे थे, इनपुट को एक दूसरे जगह से क्या कर रहे थे, शिफ्ट करके क्लॉक पल्स लगा रहे थे। ठीक, लेकिन आज हम लोग को यहाँ कोई शिफ्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा हम लोग दिए हैं वो हम लोग को तुरंत क्या हो गया, आउटपुट मिल गया। इसका मतलब आगे कोई भी क्लॉक पल्स आए, जो हम लोग का आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे मेंटेन रहेगा। वो हम लोग का आउटपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे मेंटेन रहेगा। क्लियर, वैसे क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, मतलब ये वन पे रहेगा, ये वन पे, ये वन पे, ये जीरो पे रहेगा। क्लियर, क्या बताएं कि जब अगला क्लॉक पल्स आएगा तो ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो हम लोग किसी तरह शिफ्टिंग कर नहीं रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या किए, इनपुट दिए और हम लोग को डेटा पैरेलल वे में शिफ्ट होकर बाहर मिल गया। किसी तरीके का सीरियल शिफ्टिंग वगैरह इसमें हो नहीं रहा है। जब ये सब हम लोग पढ़े थे तो इसमें क्या होता था, सीरीज वाइज क्या होता था, शिफ्टिंग होता था। इन सब में क्या किए थे हम लोग, शिफ्टिंग किए थे, कुछ ऐसे इधर से इधर ऐसे क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग करते थे, तो डेटा को शिफ्ट करके फिर क्लॉक पल्स लगाते थे, तो दूसरे क्लॉक पल्स में क्या होता था, इनपुट जो होता था हम लोग का चेंज होता था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग का क्या है, एक ही क्लॉक पल्स में जो इनपुट दिए आउटपुट मिल गया, मतलब पैरेलली शिफ्ट होकर आउटपुट हम लोग को क्या हो गया, मिल गया। तो इसका मतलब क्या, कोई भी क्लॉक पल्स आए उसके लिए इनपुट यही होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो आउटपुट होगा वही ऐसे क्या रहेगा, बना रहेगा कांस्टेंट। ठीक, कब तक ये बना रहेगा, जब तक हम लोग इनपुट को चेंज ना करें। अगर यहाँ पे इनपुट को हम लोग चेंज कर दें, दूसरा इनपुट डेटा दें, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर ये जो टाइमिंग डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर, क्लियर ना। कल हम लोग क्या कर रहे थे, सीरीज वाइज शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, एक बार शिफ्ट कर रहे थे फिर एक बार लोड कर रहे थे। ये वाला याद करिए, कल जब हम लोग क्या कर रहे थे, पीसो पड़े थे, क्या किए थे, डेटा दे दिए थे, फिर उसमें क्या करते थे हम लोग, उसको सीरीज वाइज क्या करते थे, शिफ्टिंग करते थे, करते थे ना, तो शिफ्ट करके फिर दूसरा क्लॉक पल्स आता था, तो उसके अकॉर्डिंग जो इनपुट था उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हम लोग को मिलता था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग जो दे रहे हैं एक ही बार में हम लोग को आउटपुट मिल जा रहा है। इसका मतलब आगे कोई भी क्लॉक पल्स आए, इनपुट तो हम लोग का यही रहेगा ना, तो आउटपुट यही मिलता हुआ चला जाएगा। क्लियर, तो ये इसका टाइमिंग डायग्राम हो गया। ओके, देखिए कितना आसान है। ठीक, अब इसके बारे में कैसे एग्जाम में लिखना है, इसको थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब एग्जाम में कैसे इसको लिख कर आना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इन अ पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि इनपुट की जगह आप बस इन लिख देंगे तब भी सही है, और आउटपुट की जगह बस आप आउट लिख देंगे तब भी क्या है, सही है। क्लियर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन अ पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, और मन करे तो उसमें पुट इधर और पुट इधर ऐड करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट को ही क्या कहते हैं, पीपो कहते हैं। ठीक, तो उसको ब्रैकेट लिख दिया है, शिफ्ट रजिस्टर डेटा इज लोडेड एज वेल एज रिट्राइव इन द पैरेलल मैनर। ठीक, अब देखिए अभी हम लोग पीछे देखे थे, समझे थे कि पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में जो डेटा है उसको हम लोग क्या करते हैं, लोड और जो रिट्राइव करते हैं उसको पैरेलल मैनर में करते हैं। एक साथ हम लोड कर दिए, एक साथ क्या करते हैं, डेटा को ले लेते हैं। ठीक, तो वही उसमें लिखा गया है, माइनर जगह फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द फोर शिफ्ट रजिस्टर, ये जितने भी शिफ्ट फोर शिफ्ट रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब तक जितने भी चारों कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिले हैं, कौन कौन सा, सीसो सीपो पीसो और पीपो, उसमें से सबसे आसान कौन सा है, ये पीपो वाला ही है। ठीक, ऐसे चार कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पीछे देखे हैं, सीसो था, फिर क्या था, सीपो था, फिर क्या था, ये हम लोग का पीसो था, और आज हम लोग का क्या है, पीपो है। ठीक, तो वही लिखा गया है कि इन चारों शिफ्ट रजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में से सबसे आसान ये क्या है, पीपो वाला है। ठीक, क्योंकि देखिए एक ही क्लॉक साइकिल में हम लोग का पूरा काम हो गया, डेटा लोड भी हो गया और शिफ्ट होकर बाहर भी निकल गया है पैरेलल मैनर में। क्लियर, तो वही चीज़ वहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए क्या लिखा गया है,
है। इट्स सर्किट इज वेरी सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 3 कनेक्शन, द पैरेलल इनपुट विच डिटरमाइंस द डेटा टू बी लोडेड इन टू फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए जो सर्किट है ये क्या बहुत आसान है, बस 3 कनेक्शन रखता है। पहला क्या है, पैरेलल इनपुट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे डेटा वगैरह को अप्लाई करेंगे, जो फ्लिप फ्लॉप पे क्या करेगा इनपुट लेके जाएगा। फिर देखिए द पैरेलल आउटपुट, और क्या है ये पैरेलल आउटपुट है। और तीसरा कनेक्शन क्या है, क्लॉक सिग्नल, और यहाँ पे क्या दिए हैं, क्लॉक सिग्नल दिए हैं। ठीक, क्लियर। पीछे क्या होता था, एक कनेक्शन और हम लोग ऐसे इसको क्या करते थे, लेकिन आज यहाँ पे एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट कनेक्ट नहीं है, इसमें बस 3 कनेक्शन है, एक क्लॉक है, एक इनपुट है, और एक क्या है आउटपुट है, वह इसमें लिखा गया है। ओके, क्लॉक सिग्नल को ही हम लोग CLK करके लिखे हैं। ओके, अब देखिए लिखा गया कि द सर्किट डायग्राम ऑफ 4-bit पीपो शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ 4 पास टू एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप इज शोन इन फिगर फर्स्ट। ये देखिए फिगर फर्स्ट में 4-bit पीपो शिफ्ट रजिस्टर जो 4 डी फ्लिप फ्लॉप को मिला के बना है, जिस पर क्या है पास टू एज ट्रिगरिंग लगाया गया है। आप चाहें तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग भी लगा सकते हैं, बस टाइमिंग डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा। जो निगेटिव एज ट्रिगर है उस पर क्या करना होगा, साइकिल के उस पर क्या करना होगा, इनपुट आउटपुट के बिहेवियर को चेंज करना होगा। ओके, क्लियर। मतलब उस पर क्या होगा, आपका जो आउटपुट होगा बदलेगा। जैसे हम लोग ऐसे लगाए थे ना, ऐसे लगाए थे, इस पर क्या कर रहे थे आउटपुट बदल रहे थे, तो जब निगेटिव स्टिकरिंग होगा तो यहाँ तक सेम लेके जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे बदलना शुरू करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे बदलना शुरू करेंगे। ठीक, ऐसे इसको दिखाते हैं, ऐसे क्या करेंगे इसके बाद इसको बदलना शुरू करेंगे। निगेटिव स्टिकरिंग मतलब क्या है, जीरो से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी 1 से 0 पा रहे हैं। ठीक, तो निगेटिव स्टिकरिंग नीचे की तरफ दिखाएंगे, 1 से 0 पा रहे हैं, तो इस पर क्या करेंगे इसके बिहेवियर को चेंज करना शुरू करेंगे। पास टू रहेगा तो यहीं से चेंज कर देते हैं। ओके, क्लियर हुआ ना चीज़। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इन पीपो बोथ डेटा स्टोरेज एज वेल एज डेटा रिकवरी आकर्स एट अ सिंगल क्लॉक पल्स। अभी हम लोग समझे थे एक ही क्लॉक पल्स में डेटा स्टोर हो गया, और उसी दरमियान डेटा हम लोग रिटायर भी कर लिया, मतलब उसको रीड करने के लिए एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की जरूरत है नहीं, जिसका मतलब एक ही क्लॉक पल्स में डेटा रिकवरी भी हो जा रहा है, डेटा स्टोर भी हो जा रहा है। ओके, अब फिर देखिए लिखा गया कि द पैरेलल डेटा आउट से 1 1 1 0। ठीक, 3 1 है, 1 0 फ्रॉम पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर इज टेबुलेटेड एज। ठीक, अब जो टेबल बनाए थे ना उसको इसके नीचे बना दीजिएगा। लिखा गया है कि जो पैरेलल डेटा आउट हो रहा है जिसको हम लोग क्या माने हैं, 1 1 1 0 माने हैं। ठीक, इस वजह से लिख दिया, आप इसके जगह कुछ भी लिख सकते हो। ओके, फ्रॉम पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज टेबुलेटेड एज, इसके नीचे टेबल बना दीजिएगा। मतलब उस टेबल में दिखाया गया कि कैसे डेटा हम लोग का बाहर क्या होता है, निकलता है। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, द टाइमिंग डायग्राम फॉर डेटा इतना 1 1 1 0 इस सोन मिलो, और फिर इसके नीचे इसका टाइमिंग डायग्राम बना लीजिएगा, बस आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जितना हमें बताएं उतना लिख देंगे, अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। ओके, क्लियर है चीज। जनरली 2 ज्यादा पूछता है, 1 सीसो पूछता है और दूसरा 300 पूछता है। 2 ज्यादा क्वेश्चन आपसे जनरली पूछता है इन चारों में से। ठीक, तो इन दोनों का अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग शिफ्ट रजिस्टर खत्म कर चुके हैं। अगर आपको काउंटर पढ़ना होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो काउंटर पर मैं लेक्चर बना दूंगा। 3-4 लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि काउंटर को फिनिश कर दूं। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।